आज हम पढ़ेंगे रिलेटेड मीन आपको नंबर इससे पहले कल हमने एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 25 तक पढ़ लिया है और यहां से अगले क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटेड मीन है तो इससे पहले ये क्वेश्चन पढ़ने से पहले थोड़ा रिलेटेड मीन समझने रिलेटेड मीन इसकी डेरिवेशन जी एम होता है तो रिलेटेड मीन की डेफिनेशन क्या है रिलेटेड मीन ऑफ टू नंबर्स पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी किसके बराबर आएगा वो तो मेट्रिक मीन डेफिनेशन लिखो मेट्रिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी इज रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट उनके प्रोडक्ट का रूट होता है मेट्रिक मीन फिर ध्यान पे देखो इफ जी वन जी टू जी थ्री सो ऑन अप जी एन बी एन नंबर्स बिटवीन ए एंड बी दोनों पॉजिटिव नंबर्स है इनके बीच का अगर कोई एन नंबर्स दिए गए हैं सच दैट दैट The sequence in the sequence form हो रही है such that the sequence इस sequence में टैलर नंबर ए फिर उसके बाद जी वन इसकी दूसरी टैलर जी टू जी थ्री सो ऑन जी एन और लास्ट में बी इज अ जी अगर आपके पास कोई एक्सिस्टेंस ये नंबर्स हमने ये एन नंबर्स ये और बी के बीच में रखी इस तरह से ये सीक्वेंस को तो हमारे पास करेंगे जी पी बनाए उसके लिए सिर्फ क्या जाएगा टाइम देखो इनकी नंबर्स ये सारे ज्योमेट्रिक मीन्स इनको क्या कहेंगे ज्योमेट्रिक मीन्स कहेंगे और इनकी वैल्यू कैसे निकलेगी इसमें बी कौन सी टर्म आ रही है टोटल एन नंबर्स और बी के ये फर्स्ट टर्म ये सेकंड थर्ड ऐसे इसके बराबर आएगी n प्लस 2 टर्म इसका फॉर्मूला क्या होता है मेट्रिक प्रोडक्ट की n प्लस 2 टर्म का फॉर्मूला क्या है ए आर टू पावर ए आर पावर n प्लस 2 माइनस 1 दैट इज n प्लस 1 टू पावर तो व्हिच इंप्लाइज दैट यहां से ए की साइड ट्रांसपोज कर दी अपॉन ए इज इक्वल टू आर पावर n प्लस 1 तो टेकिंग n प्लस 1 फ्रॉम बोथ साइड इंप्लाइज दैट b upon a power s का डायरेक्ट तो r की पावर किस पर आ रहा है n plus 1 रूट में है कौन से बार पर b upon a power r plus 1 जब भी इस तरह से हमारे पास इन n नंबर्स होंगे तो हम जब b के बीच में यहां पे कॉमन रेशियो इस तरह आएगा b upon a power r plus 1 a b ये दो नंबर्स और r इसका कॉमन रेशियो r की सॉरी n plus 1 n नंबर इनकी क्वांटिटी कितनी है और इसके बराबर आएगा और आर मिला नाउ ये जी वन इसके बराबर होता है जी वन इसमें क्या है सेकंड टर्म में या यहाँ पर लिखो दिया जो जी वन इस जीपी की कौन सी टर्म है सेकंड टर्म विच इज इक्वल टू सेकंड टर्म का फॉर्मूला क्या है जीपी का फॉर्मूला क्या है जी टू ए आर निकालना हो ए ए आर की जगह बी अपॉन ए की पावर एन प्लस वन पुट कर देना निकल जाएगा जी टू क्या होगा ए आर स्क्वेयर ऐसे ही स्वान आपको जी एन से निकालोगे ए आर की पावर एन फिर आप इसको सिंपलीफाई कर सकते हो आर के लिए यहाँ से सब्स्टिट्यूट करो उस तरह से नंबर्स फाइंड कर सकते हैं ये एन नंबर्स है और बी के बीच में है ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं उस केस में नंबर्स को क्या कहते हैं ज्योमेट्रिक मीन्स इज ज्योमेट्रिक मीन्स इन फॉर्मूला से इस से निकाल सकते हैं ए आर पहला ज्योमेट्रिक मीन ए आर स्क्वायर दूसरा ए आर पावर एन एंड ज्योमेट्रिक मीन और आर की वैल्यू ये है नेक्स्ट रिलेशनशिप बिटवीन अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन आपने अरिथमेटिक मीन भी पढ़ा हुआ है तो ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन का रिलेशनशिप क्या है रिलेशनशिप बिटवीन रिलेशनशिप
between arithmetic mean and genetic mean. इंटरवेशन क्या है आपस में लेट ए एंड जी बी ए एम एंड जी बी यहाँ पे मैं लेट करता हूँ कैपिटल ए एंड कैपिटल जी बी अर्थमेटिक मीन ये शब्द है अर्थमेटिक मीन एंड जेनेटिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स और टू पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी रेस्पेक्टिवली
नेक्स्ट देखो इसी में क्वेश्चन नंबर 27 फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट a पावर n प्लस 1 प्लस b पावर n प्लस 1 अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n मे बी अ सिमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b. ठीक है, हमने फाइंड कर दिया n की वैल्यू ताकि ये एक सिमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स होना चाहिए. फाइंड द वैल्यू ऑफ n फाइंड कर दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया गया. क्वेश्चन नंबर 27 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है हमारे पास वेटेड मीन ऑफ ए एंड बी दो नंबर से तो वेटेड मीन किसके बराबर दिया गया ए की पावर एन प्लस 1 प्लस बी की पावर एन प्लस 1 डिवाइड बाय ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन. ये दिया गया हमारे पास बेटिंग मीन ऑफ टू नंबर्स. तो अगर इस बेटिंग मीन ऑफ टू नंबर्स है तो व्हिच इंप्लाइज दैट रूट ऑफ ए बी इज इक्वल टू ऐसे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन बेटिंग मीन टू नंबर्स में क्या होता है ये n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n के बराबर स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स नेक्स्ट इसका देखो और सिंपलीफाई करें इसको ये किसके बराबर आ जाएगा व्हिच इंप्लाइज दैट ए की पावर 2n प्लस 2 प्लस बी की पावर 2n प्लस 2 प्लस 2 ए की पावर n प्लस 1 बी की पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू इसको मैं उस साइड ट्रांसपोज कर देता हूं तो ये आ जाएगा हमारे पास ए बी के ए बी ऐसे ही और इसको साइड लेके मल्टीप्लाई हो जाएगा इसको लिखो ए की पावर 2n प्लस बी की पावर 2n प्लस 2a की पावर n b की पावर n ऐसे व्हिच इंप्लाइज दैट आगे देखो क्या आएगा यार इसको सिंपलीफाई करते हैं पहले तो ऐसे लिखो ए की पावर 2n प्लस 2 प्लस b की पावर 2n प्लस 2 प्लस 2 a की पावर n प्लस 1 b की पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा आगे a b से इसको मल्टीप्लाई किया देखो क्या आएगा a से इसको मल्टीप्लाई किया तो a की पावर 2n प्लस 1 पहले तो मैंने तो इसी की पावर 1 इसमें मल्टीप्लाई ओके बेसिस अगर सेम होगी पावर से ऐड करेंगे और b का b ऐसे b फिर इसी को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा a into b की पावर 2n प्लस 1 का तो प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा ए इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए की पावर टू ए की पावर एन प्लस वन टू ए की पावर एन प्लस वन और बी की पावर भी एन प्लस वन. देखो ये दोनों सेम टर्म है यहाँ भी यही है और यहाँ भी यही है
इंप्लाइज दैट यहाँ पे क्या आ जाएगा a की पावर 2n प्लस 2 और यहाँ से भी इसको मैं इससे इस साइड ट्रांसपोज करता हूँ माइनस a की पावर 2n प्लस 1 इनटू b इधर क्या आ जाएगा a की पावर a टू b की पावर 2n प्लस 1 इसको साइड लिया माइनस b की पावर 2n प्लस 2 आगे इसको सिंपलीफाई करने के लिए आ जाएगा इसमें देखो एक पावर 2n प्लस 1 इस टर्म में भी इस टर्म में भी एक पावर 2n प्लस 1 ये कॉमन निकालते हैं तो पीछे यहां से क्या बचेगा इधर 2n प्लस 1 कॉमन निकाल 2n प्लस 2 की ये बच गई है माइनस यहां से क्या बचेगा ये कॉमन निकले इधर b और इधर भी हम निकालते हैं b की पावर 2n प्लस 1 कॉमन निकालो तो यहां से a और यहां से क्या बचेगा b a माइनस b ये दोनों साइड से कैंसिल हो गया इंप्लाइज दैट a की पावर 2n प्लस 1 चलो इस साइड उसको इस साइड लाओ अपॉन b की पावर 2n प्लस 1 इज इक्वल टू a माइनस b अपॉन a माइनस b जो कि इसके बराबर आ जाएगा 1 के बराबर इंप्लाइज दैट a अपॉन b होल पावर 2n प्लस 1 इज इक्वल दोनों के ऊपर 2n प्लस 1 पावर है तो होल पावर 2n प्लस 1 इज इक्वल टू इस 1 की जगह 1 के बराबर है इसको मैं लिखता हूं a प्लस b की होल पावर 0 अगेन इफ यू इसको 0 से बदल दो इस 1 को मैंने इसी फॉर्म में चेंज किया अब देखो बेसिस सेम है और जब भी इक्वालिटी में किसी इक्वेशन में बेसिस सेम हो पावर से कर सकते हैं इसका मतलब 2n प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के बराबर है देयरफॉर 2n प्लस 1 0 तो n की वैल्यू इसके बराबर आएगी माइनस 1 अपॉन इसका आंसर जो वन से जाके माइनस वन और तो वाइड हो जाएगा एंड की वैल्यू निकली माइनस वन अपॉन टू के ऊपर तो नेक्स्ट हम आगे इसको